दमोह के जिला खनिज अधिकारी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक ठेकेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला खनिज अधिकारी पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। ठेकेदार ने कहा कि उससे 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और नहीं देने पर समय अवधि से पहले ही उसकी परमिशन को निरस्त कर दिया गया। मामला दमोह के बरपट्टी खसरा नंबर 3 का है, जहां 18 फरवरी से 19 जून 2024 तक परिवहन के लिए खनिज विभाग ने रॉयल्टी जारी की थी। मैं सचिन सैन, निवासी सिविल वार्ड नंबर 6, सुभाष कॉलोनी। मेरे द्वारा एक खनिज विभाग में परमिशन ली गई थी परिवहन की, जो कि 5 तारीख को खनिज अधिकारी द्वारा निरस्त कर दी गई है। किसी ने क्यों कर दी गई, क्या इनके द्वारा लगातार हमसे 5 लाख रुपए की डिमांड की गई, जो कि मैंने उनको पैसे ना दिए तो उन्होंने मेरी रॉयल्टी को निरस्त कर दिया। और रॉयल्टी 6000 घन मीटर की थी, 18 फरवरी से 19 जून तक के लिए मेरी स्वीकृति हुई थी, जो कि मैंने सिर्फ अभी 1500 घन मीटर ही रॉयल्टी उठाई गई है, 4500 घन मीटर अभी वहीं पर रखी हुई है और इनके द्वारा पैसे नहीं दिए गए तो इन्हें रॉयल्टी को निरस्त कर दिया। किस अधिकारी ने, क्या नाम है? मेजर सह जामरा, खनिज अधिकारी। कम मांगी गई जी? कम मांगी गई थी इनके द्वारा पैसे लगभग 15 दिन पहले मांगे गए थे। इनके द्वारा मुझे एक शिकायत के मामले में खनिज विभाग बुलाया गया था। इनके करीबी व्यक्ति हैं राजेंद्र लोधी, जो खनिज विभाग में पदस्थ हैं, इन्हीं के साथ रहते हैं। उनके द्वारा बोला गया कि साहब की डिमांड है कि आप 5 लाख रुपए दो तो आपकी रॉयल्टी सही से चलेगी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 6000 घन मीटर की जारी की गई रॉयल्टी, लेकिन 1500 घन मीटर रॉयल्टी का ही उसके द्वारा परिवहन किया गया है। दमोह के जिला खनिज अधिकारी ने इस मामले में क्या कहा, वो भी सुनिए। मेरे भी संज्ञान में ये चीज आई है। सचिन सेन ने मेरे पे आरोप लगाए हैं जो बिल्कुल निराधार हैं और झूठी शिकायतें की है। उनको खनिज विभाग के द्वारा 19 फरवरी को 6000 घन मीटर की परिवहन अनुज्ञा जारी की गई थी और उस तत्पश्चात कुछ लोगों ने सीएम हेल्पलाइन और लिखित में कार्यालय में शिकायत दर्ज करी थी, जिसके पालन में मेरे द्वारा 5 तारीख को जांच की गई, जिसमें पाया गया कि संबंधित के द्वारा जारी अनुज्ञा से अधिक मात्रा का खनन कर परिवहन किया जा चुका है। आपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया था कि जिन लोगों ने ये अनुमति जारी की थी रॉयल्टी? हाँ, उन्हें ये संज्ञान में है चीज। वो आरोप लगा रहा है कि 5 लाख रुपए मांगे थे आप? हाँ, वो शिकायत पूरी झूठी है, निराधार है। वो दबाव बनाना चाहता है कि उसके ऊपर कार्रवाई ना हो, पर हम विधिवत नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। कितनी खुदाई की गई, कितने की उसको परमिशन दी गई? उसको टोटल 6000 घन मीटर की परमिशन दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा 8547 घन मीटर टोटल वहाँ पर खनन किया गया है, जिसमें से उसके द्वारा 1623 घन मीटर की रॉयल्टी काटी गई है, जिसमें से 6713 घन मीटर उसके द्वारा बिना पारपत्र के परिवहन किया गया, जो अवैध खनन परिवहन की श्रेणी में आता है। तो मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम और मध्य प्रदेश खनिज नियम 2022 के 18 का उल्लंघन है, जिसके तहत अब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसका कहना है कि उसने 1500 घन मीटर के करीब खुदाई की है, इससे ज्यादा नहीं की। हमने गड्ढे की नाप की है, जिसमें 8000 खुदा हुआ है, और आप भी इस चीज को मौके पर जाके देख सकते हैं। किसी और विभागीय किसी कर्मचारी का नाप लिया, उसके मार्फत से आपने? हाँ, उसके द्वारा सब झूठी और निराधार शिकायत की जा रही है। इसमें कोई आगामी आपका क्या कदम? जैसे वरिष्ठ अधिकारी जैसा निर्देश देंगे, हम उसका पालन करेंगे आगे।